नमस्कार प्यारे बच्चों, NIOS और स्वयं प्रभा के दर्शकों, प्यारे बच्चों की प्यारी सी फूल सी मुस्कुराहट के साथ थोड़ी सी मुस्कुराहट हम भी बिखेरते हैं और आपको एक बार फिर से संगीत की दुनिया में ले चलते हैं। और आज का मेरा सब्जेक्ट है कि वाद्य यंत्रों के साथ में आपका गायन। आज हमारे साथ में तीन फूल जैसे बच्चे सीखने के लिए आए हुए हैं। तो ये शिवम अनुरागी हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय से हैं, आप मधुर गुप्ता हैं, और शुभम ये सैनिक स्कूल से हैं, मधुर गुप्ता सन इंटरनेशनल से हैं। तो लीजिए, हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संगीत हमारे मन को बहुत प्रसन्न करता है, और जब मन को प्रसन्न करता है तो निश्चित रूप से हमारा मन हर काम में लगेगा, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, किसी भी सब्जेक्ट का। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब्जेक्ट के पढ़ाई की टेंशन छोड़िए और एक घंटा आप हमसे जुड़ जाइए और हम आपसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि इस सेशन में हम आपको बिना कॉपी और पेन के संगीत सिखाएंगे और उसके साथ साथ में आपके माइंड को फ्रेश करेंगे, ताकि आप आज के स्वयं प्रभा के आने वाले चैनल में बहुत अच्छा मन लगा करके पढ़ सकें। तो लीजिए, तो हम आपसे जुड़ते हैं और आप हमसे जुड़ते हैं। थोड़ा सा आलाप लेते हैं। गा पे पहुंचेंगे जैसा कि हमारा आज का सब्जेक्ट है कि वाद्य यंत्रों के साथ में हमारा गायन और वादन कैसा होना चाहिए। तो वाद्य यंत्रों के साथ में जो हमारा गायन और वादन होगा, उसमें यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वॉइस क्वालिटी वाद्य यंत्रों के साथ में प्रॉपर मेल खाती हो, और ना तो वाद्य यंत्रों की आवाज ज्यादा हो और ना ही हमारे गाने की आवाज ज्यादा हो। कभी कभी, हालांकि ये मेरा पिछले सेशन में छूट गया था तो मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास भी जैसे बच्चे आते हैं और मंच प्रदर्शन देते समय हड़बड़ा जाते हैं, तो जैसे हड़बड़ा जाते हैं कोई मिस्टेक कर गए, जैसे गले से कोई सुर लगा रहा है और सरगम कोई और बोल गए, तो उसमें घबराना नहीं है, उसको अगले आवर्तन में या अगले टाइम में पकड़ लेना है ना, फिर बाद में उसको सही ट्रैक पे लाना है। तो वाद्य यंत्रों के साथ में तालमेल बहुत जरूरी है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, हम जो गाते हैं गायक, तो इंस्ट्रूमेंट बजाते समय जो जब जिस टाइम पे हम गाते होते हैं, उस टाइम पे हमारे जो वादक होते हैं, वादक कलाकार होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स डालते हैं, मतलब आपकी धुन के अलावा वो अपनी फीलिंग्स डालते हैं और वो खेलते हैं। तो उस समय आपको उन स्वरों में, मतलब जो आपकी कंपोजिशन है उसमें आपको खुद को ध्यान देना है। जब आप खुद पे ध्यान देंगे और गाते रहेंगे तो, क्योंकि स्वर तो वही बज रहे हैं, कॉर्ड भी वही बज रहे हैं, वो अपनी फीलिंग डालते हैं उनका, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में भी होता है, तो जब वो अपनी फीलिंग डालते हैं तो इसमें होता क्या है कि गाने में मधुरता आती है और भराव आता है। जैसे कि हम ये कार्ड ले रहे हैं, कार्ड तीन स्वरों से मिलकर के बनता है, सा गा पा। जब सा गा पा से मिलकर के बनता है, अगर अगर शुद्ध गंधार होता है, शुद्ध गा होता है, तो मेजर कार्ड कहलाता है, और कोमल गा लग जाता है तो माइनर कार्ड होता है।
तो कंपोजिशन के हिसाब से, संगीत की धुन के हिसाब से होता है। लीजिए, तो पहले हम आपको एक मात पिता के भजन से शुरुआत करते हैं, और जो ये बच्चे सीखने आए हैं ये इसमें संगत करेंगे, फिर हम लोग साथ साथ में सीखेंगे। आपको पता है कि फादर्स डे आ रहा है, और जब ये जिस दिन 21 तारीख को संडे को फादर्स डे है, तो आप लोग ये भजन आज सीखिए और अपने मम्मी पापा का पूजन करिएगा और सुनाइएगा, क्योंकि माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। चुन्नी दे दीजिए, थोड़ा हारमोनियम की आवाज तेज हो रही थी। शुरुआत आलाप से लेते हैं। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चलना सिखाया। हे मात पिता तुम्हें वंदन, बड़ी किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चलना सिखाया। हे मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पे हाथ रख के, बस प्यार ही प्यार लुटाया। हे मात पिता तुम्हें वंदन,
बड़ी किस्मत से तुम्हें पाया, हे मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। तो बच्चों आज आप लोग एक प्रण लीजिए मेरे साथ कि हम कभी भी अपने माँ और पिता को दुख नहीं पहुंचाएंगे। ये राष्ट्रीय चैनल स्वयं प्रभा और NIOS माध्यम से मैं आपको ये आपसे बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि माँ बाप की आंखों से हम आंसू बन के न गिरेंगे, माँ बाप का दिल जो दुखा दे कभी ऐसा कुछ न करेंगे। तो लीजिए तो इस लाइन को गाते हैं। माँ बाप की आंखों से हम आंसू बन के न गिरेंगे, माँ बाप का दिल जो दुखा दे कभी ऐसा कुछ न करेंगे। माँ बाप की आंखों से हम आंसू बन के न गिरेंगे, माँ बाप का दिल जो दुखा दे कभी ऐसा कुछ न करेंगे। माँ बाप के रूप में हमने भगवान को जैसे पाया, हे मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हे मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। आ, 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 अब इसमें अपनी फीलिंग डालनी है जैसे आपको, तो माँ बाप की जो धुन है कैसी है। माँ बाप की आंखों से हम आंसू बन के न गिरेंगे, माँ बाप का दिल जो दुखा दे कभी ऐसा कुछ न करेंगे। अब देखिए अपनी फीलिंग डालनी है इन्हीं स्वरों में जो ये बज रहा है। अब देखिएगा थोड़ा सा रिदम लीजिए, हल्का सा तेज करिएगा। वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर। माँ बाप की आंखों से हम आंसू बन के न गिरेंगे, माँ बाप का दिल जो दुखा दे कभी ऐसा कुछ न करेंगे। ये देखिए रिदम पे आया जो ओरिजिनल धुन है। अब इसमें हमें अपनी फीलिंग डालनी हो तो क्या आएगा। वन टू थ्री फोर। माँ बाप की आंखों से हम आंसू बन के न गिरेंगे, माँ बाप का दिल जो दुखा दे कभी ऐसा कुछ न करेंगे। है क्या। माँ बाप की आंखों से हम क्या कह रहे हैं। अब देखिएगा कुछ अलग हटके करिएगा अपने मन से। माँ बाप की आंखों से हम आंसू बन के न गिरेंगे, माँ बाप की आंखों से हम आंसू बन के न गिरेंगे, माँ बाप का दिल जो दुखा दे कभी ऐसा कुछ न करेंगे। माँ बाप के रूप में हमने भगवान को जैसे पाया,
हे मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हे मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ये गाना था। अब लीजिए हम इस गाने को सीखते हैं। सबसे पहले इसको रिदम में सीखेंगे, जैसे टू थ्री फोर, वन स्टिक टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। आप लोग भी स्टिक उठाइए, टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब इसको पढ़ने में लेते हैं। ओके वेरी गुड, बेल स्ट्रोक दीजिए। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे मात पिता तुझे वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। देखिए कितना सिंपल होता है संगीत। संगीत वो होता है जो सरलता से आपके अंदर घुस जाए, है ना। ऐसा माना जाता है कि पहले लोक संगीत आया, लोक से शास्त्रीय संगीत आया। अब जैसे बहुत सारे लोग शास्त्रीय संगीत सीखे होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं सीखे होते हैं, तो उस संगीत को जन जन तक पहुंचाने के लिए विद्वानों ने सुगम संगीत का निर्माण कर दिया। सुगम संगीत का निर्माण ही होता है बड़ी सुगमता से लोगों के दिल और दिमाग में छा जाए, है ना। तो अब देखिएगा, वन टू थ्री फोर, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। अब देखिए जब इसको गाएंगे, जैसे हारमोनियम पे गाते हैं, मान लीजिए इसका नोटेशन ये गया, जैसे ये जा रहा है, नोटा चेंज कर गया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। अब देखिए ये हारमोनियम का नोटेशन जो जा रहा है, ये हारमोनियम का हम थोड़ा सा कैमरा हारमोनियम की तरफ करते हैं, हारमोनियम की तरफ एक कैमरा करते, ये देखिए जैसे प्लेन नोटेशन क्या जा रहा है। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। अब इसमें देखिएगा ये हारमोनियम में मैंने ये बीच बीच में जो कार्ड लगाए हैं, जो मैंने कार्ड लगाए हैं, तो ये हारमोनियम इसको कार्ड कहते हैं। ये बीच के भराव के लिए लगाया जाता है। जैसे नोटेशन तो सिर्फ ये जा रहा है गाने का, तो जो स्वरों का सस्टेन होता है, जो स्वरों का न्यास होता है, उसमें कार्ड से हम भराव कर देते हैं। इसी को कहते हैं कि वाद्य यंत्रों की संगत में गायन आपका। और जहां पर मात्राएं फिलअप हो जाती हैं, जहां पे मात्राएं ब्लैंक जाती, वहां पे तालवाद्य यंत्र में भराव हो जाता है। जैसे सिंपल में इसका रिदम क्या जाएगा, सिंपल में इसका रिदम यह जाएगा, जैसे मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। धागे ना तिनक दिन, धागे ना तिनक दिन, धागे ना तिनक दिन, धागे ना तिनक दिन। अब ये जो बच्चा है, तो इस बच्चे ने आपको भराव बताया है, मुझे इस दुनिया में, जो ये रनिंग लगा रहा है, इसको भराव बोलते हैं, इसी को संगत बोलते हैं।
वाद्य यंत्रों में मिठास लाने के लिए। तो देखिएगा एक बार फिर से मैं कॉर्ड लगाता हूं आपको मुझे। अब ये देखिएगा ये चल रहा है, रेडी वन विथ फीलिंग्स। अब देखिएगा मैं कॉर्ड की रनिंग लगाऊंगा, वन टू थ्री फोर। इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ये मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाए। ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये कार्ड लगाना तो बहुत कठिन है, तो बच्चों कार्ड लगाना बिल्कुल कठिन नहीं है, ताल के साथ में हमें बजाना होता है, सिर्फ हमें ताल के साथ में ही बजाना होता है। जैसे ये है ना, हमने तीन स्वर पकड़ लिया, देखिए सा गा पा, बस इसको ताल के साथ में बजाना है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। ये देखिए ये कर रहा हूं मैं, अब इन्हीं स्वरों में मैं तीनों उंगलियों को ऐसे ऐसे चला रहा हूं, बस और कुछ नहीं कर रहा हूं, बस ये देखिए वन टू थ्री फोर। अब अगला अंतरा सीखते हैं इसका, अब अगला अंतरा सीखते हैं बच्चों कि मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। तो देखिएगा ये स्टिक लिया, ताल लिया, मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। देखिए कितना अच्छा लिखा है कि मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मतलब इतना बढ़िया लिखा है कि दिल को छू जाता है। तो पुत्र अपने पिता से बोल रहा है कि मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया, मेरे सर पे हाथ रख के, बस प्यार ही प्यार लुटाया, मेरे सर पे हाथ रख के, बस प्यार ही प्यार लुटाया, हे मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। देखिए अब इसको लिख भी लीजिएगा, बस उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। फिर से देखिए एक बार, मैं जब से जग में आया, फिर से मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। देखिए ये जब हम पढ़ंत में बोलते हैं तो हमारी ताल पक्की होती है, जब हम इसको पढ़ेंगे, है ना। आजकल के जमाने में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आजकल के जमाने में रैप बोलते हैं जो बच्चे, तो बच्चों ये पुरानी शास्त्रीय परंपरा है कि इसको बोल तान बोलते हैं, हम पढ़ंत में बोल रहे हैं ताल मजबूत करके। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। अब देखिएगा बिल्कुल सिंपल है, कहरवा ताल में हुआ तो क्या हुआ, धागे नाते नक दिन, धागे नाते नक दिन, धागे नाते नक दिन, धागे नाते नक दिन। ये जो स्वर है और ये ताल है, जब बच्चे शुरुआती दौर पर आते हैं तो शुरुआती दौर पर कैसे आते हैं बच्चे, आते हैं तो सबसे पहले स्कूल में उनको कांगो मिलता है, हारमोनियम मिलता है, ड्रम वगैरह मिलता है, ताकि बच्चे ताल को अपना पक्का करें, स्वर को अपना पक्का करें। फिर जब थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं, संगीत की दुनिया में घुसने लग जाते हैं, तो उनको हारमोनियम दिया जाता है, फिर तानपुरा में संगत की जाती है, फिर तबला में संगत की जाती है, फिर सितार में संगत की जाती है, ऐसे करके वो दुनिया में खो जाते हैं
और संगीत की दुनिया में ही अपने माइंड को फ्रेश करते हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ में मन लगा के पढ़ाई करते हैं और इस तरह से संगीत को अपना करियर भी बना लेते हैं, प्लस जो और भी करियर बनाना चाहते हैं संगीत के अलावा उसमें पूरी पूरी संगीत उनकी मदद करता है। लीजिए तो बस एक बार इस धुन को सुन लेते हैं, एक बार बेस लेना केवल, फिर दूसरी बार ताल अपने आप पकड़िएगा। 1 2 3 मैं जब से जग में आया बने तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में कभी कंधों पे बिठाया। मैं जब से जग में आया बने तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में कभी कंधों पे बिठाया। 1 2 3 मैं जब से जग में आया बने तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पे हाथ रख के बस प्यार ही प्यार लुटाया, हे मात पिता तुम्हें वंदन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, हे मात पिता तुम्हें वंदन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। तो ये था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपके पिताजी के लिए फादर्स डे में समर्पित, आपकी माताजी के लिए यह गीत, और आप अपने माता पिता को का जरूर पूजन करिएगा 21 तारीख को, याद रखिएगा पितृ दिवस है, मातृ पितृ पूजन दिवस, आप उसमें जरूर पूजन करिएगा। और अब हम ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपको एक बार फिर से गीत संगीत और मस्ती की दुनिया में ले चलते हैं, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति का जज्बा होगा और मां भारती के चरणों में सम्मान और जोश आपके अंदर भर जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गीत गा रहे हैं आप, गाते गाते आपकी ताल अलग हो गई है ना, तो मान लीजिए ऐसा कभी कभी हो जाता है कि ग्रुप में बच्चे आते हैं और उनका ध्यान वहां वहां चले गया, भाई बच्चे ही तो हैं, कोई बात नहीं, उसको आप लोग टेंशन में मत लीजिए परफॉर्मेंस करते समय, उसके अगला आवर्तन उसके अगले पल मिला लीजिए, नहीं मिला तो और अगले पल मिला लीजिए। अब पता चले होता क्या है बच्चों कि जब हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जैसे ही हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई हमारा चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया, ऐसे ऐसे बन गया, तो जिनको पता होता है वो तो समझ जाते हैं, लेकिन उसको बड़े मुस्कुराते हुए देखे, जैसे हमारे बच्चे कितना मुस्कुरा रहे हैं, उसको बड़े ही मुस्कुराते हुए आप लोगों को एकदम उसको दूर कर देना है। कोई बात नहीं, गलतियां तो इंसान से ही होती, इंसान है तो गलती होगी, तो उसको क्या होता है कि हमारे हाव भाव से ज्यादा पता चल जाता है, तो उसको सुधारना है, गलतियां सुधारना ही इंसान की प्रवृत्ति होती है। अब आप कांगो पे आ जाइए, आप इसमें चले जाइए। देखिए एक गीत सिंपल सा है ना, बुंदेलखंड की माटी से लिया है, पहले मैं आपको गा के सुनाता हूं सिर्फ उसको, कि तीन रंग से हाय बनो तिरंगा, तीन रंग से केसरिया और हरो सफेद, भारतवासी न रखियो भेद, हाय तीन रंग से। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि तीन रंग से हाय बनो तिरंगा, तीन रंग से हाय बनो तिरंगा। इसमें राष्ट्रीय एकता की बात करी गई है, और हम नवोदय विद्यालय समिति से हैं, हमें इस बात का गर्व है कि हम
नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता हमारे नवोदय विद्यालय समिति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। हमारे यहाँ माइग्रेशन होता है। कैसा माइग्रेशन होता है कि बच्चे, जैसे मध्य प्रदेश के बच्चे कर्नाटक आ रहे हैं, कर्नाटक के बच्चे कश्मीर जा रहे हैं, तो ये लोग एक दूसरे की लैंग्वेज सीखते हैं, एक दूसरे की संस्कृति सीखते हैं और एक दूसरे में रम जाते हैं, और कश्मीर के पुष्प, कश्मीर के फूल कर्नाटक के फूल से मिल जाते हैं, मध्य प्रदेश के फूल गुजरात के फूल से मिल जाते हैं, और हरियाणा के फूल हमारे केरल के फूल से मिल जाते हैं। तो इस तरह से यही हमारी राष्ट्रीय एकता है। भारत ऐसा गुलशन है जिसमें अनेकों फूल खिले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी खुशबू यहाँ मिले। तो लीजिए, तो एक सुंदर सा गीत और प्यारा सा लोकगीत की, थोड़ा सा लोक संस्कृति की ओर हम ले चलते हैं आपको, कि तीन रंग से हाय बनो तिरंगा, तीन रंग से। पहले धुन सुनिए, इसको उठा देना। देखिए, केवल तीन स्वरों की कंपोजिशन की है हमने। आप ताज्जुब करेंगे, ना कोई कठिन कंपोजिशन ऐसी कि सारे जन जन तक पहुंच जाए, कुछ नहीं। ये तीन स्वर हैं। फिर यहां पे आ गया अपन, है ना, तीन से चार सुर में पूरी कंपोजिशन। देखिएगा, अभी बजाना नहीं, केवल दम देना। वन टू थ्री फोर। तीन रंग से हाय बनो तिरंगा, तीन रंग से, अरे तीन रंग से हाय बनो तिरंगा, तीन रंग से, केसरिया और हर सफेद, भारत वासी न रखियो भेद, हाय तीन रंग से, अरे तीन रंग से हाय बनो तिरंगा, तीन रंग से, तीन रंग से हाय बनो तिरंगा, तीन रंग से, अरे केसरिया और हर सफेद, भारत वासी न रखियो भेद, हाय तीन रंग से, अरे तीन रंग से हाय बनो तिरंगा, तीन रंग से। अब जैसे वाद्य यंत्रों की संगत में जब गायक गाता है तो वादक जो है अपनी आवाज, अपने वाद्य यंत्रों की आवाज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। जब म्यूजिक चलता है तो ये लोग थोड़ा सा जोर से कर देते हैं। तो अब आप लोग तो म्यूजिक चला रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी अपना कमाल दिखाइए। वन टू थ्री फोर। तीन रंग से हाय बनो तिरंगा, तीन रंग से, तीन रंग से हाय बनो तिरंगा, तीन रंग से, केसरिया और हर सफेद, भारत वासी न रखियो भेद, हाय तीन रंग से, तीन रंग से हाय बनो तिरंगा, तीन रंग से। अब देखिए बच्चों, कितना सिंपल है, कितनी धुन है, और ताल भी एकदम सिंपल है। ताल का बेस क्या, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, फोर ब्लैंक है, थ्री फोर, वन टू थ्री, धादी ना धाती ना 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 धादी, दादरा में, है ना। तो कैसा गया। अब देखिए इसमें, अब जो वाद्य यंत्रों की संगत में है, पहले जब ये वाद्य यंत्र बजते हैं तो इन वाद्य यंत्रों को अपने दिमाग में भरिए। अपने दिमाग में जब भरेंगे तो अपने आप ताल आएगी और अपने आप, अब जब जो स्वरित वाद्य यंत्र जब बजते हैं, जब स्वर वाले वाद्य यंत्र बजते हैं, तो उन स्वरों को भी भरिए। सिंपल धुन है, देखिए, तीन रंग से हाय बनो तिरंगा, तीन रंग से, तीन रंग से हाय बनो तिरंगा, तीन रंग से, अरे के, जो हमने बोला, जो जब उसको फीलिंग मिली तो हमने क्या बोल दिया, अरे, है ना, कुछ भी बोल दीजिए। तीन रंग से हाय बनो तिरंगा, तीन रंग से, अरे तीन रंग से हाय बनो तिरंगा, तीन रंग से,
केसरिया और हर सफेद, भारत बासी न रखियो भेद, आए तीन रंग से आए तीन। देखिए कितनी सिंपल धुन है और कितनी सिंपल ताल है, और इसलिए आप लोग अपना क्रिएशन खुद करिए, आप लोग खुद गीत लिखिए और खुद ताल बजाइए और खुद धुन बनाने की कोशिश करिए। हमारे यहाँ छोटे छोटे बड़ी खुशी होती है जब हमारे जब बच्चे क्रिएशन सीखते हैं। सीखते क्या है, वो तो क्रिएशन मुझे करते देखते हैं तो खुद भी क्रिएशन करने लगते हैं। हमारे यहाँ बच्चे खुद खुद जो है तो गीत लिखते हैं और खुद धुन बना लेते हैं, यही तो क्रिएटिविटी है और यही आप लोगों को करना है। और फिर जब आप लोग जुड़ते जाएंगे, संगीत में जुड़ते जाएंगे, क्रिएशन करते जाएंगे, तो अपने आप ताल में क्रिएशन होता जाएगा, स्वर में क्रिएशन होता जाएगा। तो इसलिए बच्चों अपने माइंड को क्रिएटिव बनाइए। जब आप संगीत में क्रिएशन करने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्रिएटिव माइंड आपकी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत काम आएगा। तो बच्चों अब देखिए, आल्हा उदल यहाँ पे बहुत बड़े योद्धा थे। अब देखिएगा, आल्हा उदल प्यारे भय, सिर्फ तीन लाइन हम लिखी, आल्हा उदल प्यारे भय छत्रसाल, राजा छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल, आल्हा उदल प्यारे भय छत्रसाल जी न्यारे भय, है ना, हाय तीन रंग से। अब कितना मतलब देश प्रेम से, राष्ट्र प्रेम से। तो देखिएगा सिंपल रिदम, पहले एक बार हम ताल में गाएंगे, वो पहले एक बार हम सिर्फ बेस रिदम पे गाएंगे, फिर लेंगे ताल पे। केवल बेस लीजिएगा, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। आल्हा उदल प्यारे भय छत्रसाल जी न्यारे भय, आल्हा उदल प्यारे भय छत्रसाल जी न्यारे भय, हाय तीन रंग से, तीन रंग से, हाय बनो तिरंगा तीन। थोड़ा और स्लो में सीख लीजिए, वन टू थ्री, वन टू थ्री। आल्हा उदल प्यारे भय छत्रसाल जी न्यारे भय, हाय तीन रंग। अगली लाइन भी दो लाइन जोड़ दी, रानी झांसी प्यारी भई, रानी झांसी प्यारी भई, मातृभूमि पे प्यारी भई, मातृभूमि पे बारी भई, हाय तीन रंग से, तीन रंग से, हाय बनो तिरंगा तीर। शाबाश, तीन रंग से, हाय बनो तिरंगा, तीन रंग से, तीन रंग से, हाय बनो तिरंगा, तीन रंग से, रानी झांसी प्यारी भई, रानी झांसी तारी भई, मातृभूमि पे बारी भई, मातृभूमि पे बारी भई, हाय तीन रंग से, बोलो तीन रंग से, हाय बनो तिरंगा तीन रंग से। अब देखिए यही बात यंत्रों की संगत में गायन होता है कि जैसे मैंने इन बच्चों से बताया नहीं कि कहाँ पे गाना, इन बच्चों को फील आया कि अब उठाना है तो इन्होंने तुरंत उठा दिया। तो जो इन बच्चों पे ये फील आया कि इसे उठाना है तो उन्होंने तुरंत उठा दिया, है ना। अब देखिए लास्ट में जो हमारे नवोदय विद्यालय समिति का एक एम है, राष्ट्रीय एकता, और पूरे देश का उद्देश्य है, ये हमारे भारत सरकार का भी उद्देश्य है कि हम पूरे राष्ट्र के वासी एक रहे। तो दो लाइन ये भी जोड़ी है, कितना इजी लिखा है, अपने आप लोग को याद हो जाएगा। भारत मेरा सबसे प्यारा, भारत मेरा सबसे प्यारा, रखना यारों भाईचारा, रखना यारों भाईचारा, हाय तीन रंग से, तीन रंग से। कितना सिंपल लिखा है ना, कि भारत मेरा सबसे प्यारा। आप लोग अपनी फीलिंग डालिएगा, अपने से बजाइए, वन टू थ्री फोर। भारत मेरा सबसे प्यारा, भारत मेरा सबसे प्यारा, रखना यारो भाईचारा, रखना यारो भाईचारा, हाय तीन रंग से, बोलो तीन रंग से, हाय बनो तिरंगा तीन रंग से, तीन रंग से, हाय बनो तिरंगा तीन रंग से, बोलो तीन रंग से, हाय बनो तिरंगा तीन रंग से,
तीन रंग से हाय बनो तिरंगा तीन रंग से। अब अपनी फीलिंग डालना है। केसरिया रे हरो सफेद, केसरिया रे हरो सफेद, भारत वासी न रखियो भेद, भारत वासी न रखियो भेद, हाय तीन रंग से हाय बनो तिरंगा तीन रंग से, हे तीन रंग से हाय बनो तिरंगा तीन रंग से। अब देखिये जो इस बच्चे ने डाला ना बीच में ऐसे कर देता था, केसरिया रे हरो सफेद टक टक, जो टक टक करता था इसके अपनी फीलिंग्स हुई। तो इसी को बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग। प्लेइंग का मतलब ही होता है कि वाद्य यंत्रों के साथ में खेलते रहिए, वाद्य यंत्रों के साथ में खेलते रहिए, यही इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग का मतलब होता है। तो इसलिए बच्चों जब हम गाएं और बजाएं तो हमारी पहली शर्त ये होती है, हमारा पहली शर्त गाने की या पहले भाव हमारे ये होते हैं कि जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं उसमें हम डूब जाएं, जो स्वर बज रहे हैं उन सुर लहरी में डूब जाएं, हमें खुद को पता ना हो कि हम कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी एकाग्रता अपने आप संगीत पे जुड़ जाती है, यही ईश्वर से मिलन हो जाता है। यहीं पे बच्चों, यहीं पे आपका संगीत आपको ध्यान की ओर ले जाता है। देखिए एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जो अभी हमने एक नृत्य नाटिका के लिए छोटा सा गीत लिखा था, तो उसकी नृत्य नाटिका हमने तैयार भी करवाई थी। एक फौजी जाता है और जंग में लड़ता है, अपने जंग में लड़ता है और शहीद हो जाता है, लेकिन देशभक्ति का जज्बा पूरे परिवार में रहता है, पूरे देश में रहता है उसके लिए। तो लीजिए इसको पहले हम आपको सुनाते हैं। इसमें सिंगल स्ट्रोक से करते हैं, सिर्फ वंदे मातरम दुर्दुर्दा न दोम दाना, वंदे मातरम दुर्दुर्दा न दोम दाना, वंदे मातरम दुर्दुर्दा न दोम दाना, वंदे मातरम दुर्दुर्दा न दोम दाना। देखिए इसमें क्या है, केवल सा पे हमने स्टिल किया है, सा पे रुक करके दुर्दुर्दा न दोम दाना की तराना डाल दिए। वंदे मातरम दुर्दुर्दा न दोम दाना, वंदे मातरम दुर्दुर्दा न दोम दाना, वंदे मातरम दुर्दुर्दा न दोम दाना, वंदे मातरम, वंदे मातरम दुर्दुर्दाना दोम दाना, वंदे मातरम। हे उठो जवानो सीनतानो, कसम तुम्हें है भारती, उठो जवानो सीनतानो, कसम तुम्हें है भारती, प्राणों की आहुति दे डालो। भारत माँ पुकारते, वंदे मातरम दुर्दुर्दाना दोम दाना, वंदे मातरम दुर्दुर्दाना दोम दाना, वंदे मातरम दुर्दुर्दाना दोम दाना। चाहे लाख आंधी आए रे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब देखिए इसमें सिंपल रिदम लिया है, सिंपल रिदम में बजा के बताता हूँ, देखिएगा एकदम सिंपल रिदम से लिया उठा है, जैसे ही आया। चाहे लाख आंधी आए रे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चाहे लाख तूफाए रे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चाहे लाख आंधी आए
रे चहलाख तूफाए रे, चहलाख आंधी आए रे, चहलाख तूफाए रे, हम जान की बाजी लगा देंगे वतन तेरे लिए, हम प्राण अपने भी गवा देंगे वतन तेरे लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, धृदाना धोम दाना, वंदे मातरम, वंदे मातरम, धृदाना धोम दाना, वंदे मातरम। तो देखिए बच्चों, ये हमने आपको सिखाने के लिए बताया है कि ये कैसे आप लोग अपनी कंपोजिशन कर सकते हैं। मैंने एक आइडिया दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अगली क्लास में या जब भी हम आपसे मिलेंगे, अगला हमारा सत्र जो भी होगा, कम से कम आप लोग घर में एक एक कंपोजिशन अपने मन की तैयार करके, भले चार लाइन की धुन, हालांकि ये गीत मेरा बहुत बड़ा है लेकिन समय अभाव के कारण मैं नहीं सुना पा रहा हूँ, फिर कभी यदि मौका लगेगा तो जरूर सुनाऊंगा। तो आप लोग चार लाइन लिखिएगा, कंपोजिशन बनाइएगा, एक जैसे सागा पाकर शुद्ध स्वरों का कार्ड लीजिएगा और कोशिश करिएगा। कंपोजिशन बनाने का तरीका यही होता है कि हम पहले सिंपल रिदम लिखें और फिर बाद में सिंपल उसकी धुन बनाएं, तो सारे जन जन तक वो पहुंचती है। तो लीजिए, एक्चुअली हमारे कार्यक्रम जो हमारा हमारी क्लास है ना सर, कंटिन्यू रहने दीजिए, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये गीत हम अभी जो हमारे सैनिकों में और चाइना बॉर्डर पे जो बहस छिड़ गई थी, उसमें हमारे भारत के सैनिक शहीद हुए हैं, उनके लिए हम ये गीत समर्पित करना चाहते हैं। NIUS माध्यम से, स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से और हमारे नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से हम ये गीत उन तक समर्पित कर रहे हैं। ये सिखाते भी जाएंगे आपको, सिर्फ सिंगल स्ट्रोक लेना है, पहले बजा लो। और दिन भारत माँ तेरे चरणों में
झुक रहे मेरा माता, जय भारत माता, जय भारत माँ, तेरे चरणों में झुक रहे मेरा माता, जय भारत माता। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब सैनिक के मन में क्या आखिरी तमन्ना क्या थी कि बस आखिरी तमन्ना ये रही सदा ही मन में, तन मन की भेंट देकर मैं बलि चढ़ूंगा रण में, तेरे चरणों की धूली को मैं मस्तक अपने लगाता। इस धुन को देखिएगा, बिल्कुल सिंपल धुन, सिंपल स्वर, सिंपल ताल, फीलिंग अपनी। वन टू थ्री फोर। बस आखरी तमन्ना ये रही सदा ही मन में, बस आखरी तमन्ना ये रही सदा ही मन में, तन मन की भेंट देकर मैं बलि चढ़ूंगा रण में, तन मन की भेंट देकर मैं बलि चढ़ूंगा रण में, मैं बलि चढ़ूंगा रण में, तेरे चरणों की धूली को, तेरे चरणों की धूली को। तेरे चरणों की धूली को, तेरे चरणों की धूली को, तेरे चरणों की धूली को मैं मस्तक अपने लगाता, जय भारत माता, जय भारत माँ, तेरे चरणों में झुक रहे मेरा माता, जय भारत माता। चलिए जाइएगा, चले जाइए। है ना, यदि चाहें तो आप लोग इसको कमेंट्री में भी डाल सकते हैं या उनके लिए अपने भाव दे सकते हैं। जैसे देखिएगा, मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल अभी मरा नहीं है, वो तो भारत माता के आंचल में शहीद हुआ है, हिमालय पर अपनी खुशबू बिखेर रहा है मेरा लाल, वह तो भारत माता की अखंड ज्योति बना है मेरा लाल, आजादी के शरान, आजादी के शौर्य गाथा बन करके आज भी जिंदा है मेरा लाल, तो आजादी के तरानों में अपनी खुशबू बिखेर रहा है मेरा लाल, तो अजर है, अमर है, जब भी कोई राक्षस भारत माँ के आंचल पर बुरी नजर डालेगा तो मेरा लाल उनका वध करने के लिए फिर से जाग जाएगा, क्योंकि मेरा लाल तो अजर है, अमर है, अनाशवान है, वो अभी मरा नहीं है, वह तो शहीद हुआ है।
वीरों तेरी कहानी कभी हो गिना पुरानी, वीरों तेरी कहानी कभी हो गिना पुरानी। रण में ही लड़ते लड़ते बीती तेरी जवानी, रण में ही लड़ते लड़ते बीती तेरी जवानी, बीती तेरी जवानी। तेरी याद जब जब आती तो मेरा कंठ भर भर जाता, जय भारत माता। ये भारत माँ तेरे चरणों में झुका रहे मेरा माता, जय भारत माता। इस तरह से गाने के बीच में आप अपने संवाद भी डाल सकते हैं, जिस तरह से मैंने डाल करके बताया कि आजादी के तरानों में शौर्य गाथा बना मेरा लाल तो आज भी जिंदा है। जब भी कोई मेरी भारत माता पर बुरी नजर डालेगा तो मेरा लाल उनका वध करने के लिए आज भी, मेरा लाल उनका वध करने के लिए जिंदा हो जाएगा, क्योंकि मेरा लाल तो अजर है, अमर है, अनाशवान है। तो बच्चों, इसका जो धुन है आप लोग क्रिएटिव बनिएगा अपने हिसाब से, बार बार कोशिश करिएगा। ये हमारी श्रद्धांजलि थी जो हमारे सैनिक भाई शहीद हुए हैं। आइए इसको सीख लेते हैं थोड़ा। हे भारत माँ तेरे चरणों में झुका रहे मेरा माथा, जय भारत माता। जय भारत माँ तेरे चरणों में झुका रहे मेरा माथा, जय भारत माता। ठीक है, जय भारत माँ तेरे चरणों में झुका रहे मेरा माथा, जय भारत माता। अब क्या है, बस आखिरी तमन्ना ये रही सदा ही मन में, लिख लीजिएगा वैसे भी, बस आखरी तमन्ना ये रही सदा ही मन में, बस आखरी तमन्ना ये रही सदा ही मन में। अब केवल देखिएगा, जहां श्रद्धांजलि वाली बात आती, केवल एकदम साइलेंट मोड पे हम ले रहे हैं, केवल इस घंटे की धुन पर हम लेंगे, देखेगा कितना सुंदर लगेगा। और माँ भारती के चरणों में यह लाइन समर्पित है। बस आखरी तमन्ना ये रही सदा ही मन में, बस आखरी तमन्ना ये रही सदा ही मन में, तन मन की भेंट देकर मैं बलि चढ़ूंगा रण में, मैं बलि चढ़ूंगा रण में, तेरे चरणों की धूल को मैं मस्तक अपने लगाता, जय भारत माता। अब जैसे डबल स्ट्रोक आया, अब हम केवल सिंगल स्ट्रोक देंगे, देखेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तेरे चरणों की धूल को मैं मस्तक अपने लगाता, जय भारत माता। वीरों तेरी कहानी कभी हो गिना पुरानी, वीरों तेरी कहानी कभी हो
गिना पुरानी रड़ में ही लड़ते लड़ते बीती तेरी जवानी, बीती तेरी जवानी, बीती तेरी जवानी। तेरी याद जब जब आती तो तेरी याद जब जब आती तो मेरा कंठ भर भर जाता, जय भारत माता, जय भारत माता। अब देखिएगा वो संवाद जो मैंने डायलॉग बोला था वो घंटे में ही कैसा लगेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 आजादी के तरानों में शौर्य गाथा बना मेरा लाल तो आज भी जिंदा है, वह तो आज भी जिंदा है। हिमालय की वादियों में खुशबू बिखेरता मेरा लाल, भारत माता के माथे पर, भारत माता के मुकुट पर अखंड ज्योति बना मेरा लाल तो आज भी जिंदा है। जब भी कोई राक्षस मेरी भारत माता पर बुरी नजर डालेगा तो मेरा लाल उनका वध करने के लिए फिर से जाग जाएगा, क्योंकि वह तो अजर है, अमर है और अनाशवान है। हे भारत माँ, हे भारत माँ, तेरे चरणों में झुका रहे मेरा माथा, जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।